ज्योति प्रकाश मैथिल, समाजवादी पार्टी करिए कि अडानी ने लाखों करोड़ रुपया लूट लिया देश का, उस पर कोई कार्रवाई नहीं, और मनीष सिसोदिया जैसे व्यक्ति पर आपने उसको जेल भेज दिया। अमिताभ जी मुझे ना दो मिनट दीजिए। जी जी, लेकिन आप दूसरों से उलझ जाते हो ना, मुश्किल है। ना ना ना, मैं आपको बता देता हूं। अभी इन्होंने अडानी की बात की, सबसे पहले अडानी पर ही आ जाते हैं। अडानी के ऊपर 1,60,000 करोड़ रुपए का ऋण है आज के समय में, जिसमें से 60,000 करोड़ रुपया इंडियन मार्केट का है और 1,00,000 करोड़ रुपया इंटरनेशनल बैंक्स का है। मैं आपसे पूछता हूं अमिताभ जी, भारत के अंदर मैं मानता हूं सेटिंग गेटिंग करके यदि उन्होंने लोन ले भी लिया होगा, तो क्या विदेशों से वो सेटिंग गेटिंग के आधार पर लोन लेंगे या अपने कागजों के आधार पर लोन लेंगे? अडानी के पास में पोर्ट बिजनेस है, अडानी के पास में गैस बिजनेस है, अडानी के पास में इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस है, अडानी जी के पास में सीमेंट बिजनेस है, अडानी जी के पास में और भी जैसे रिटेल चेन भी वो शुरू कर रहे हैं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, ये जो सोच है ना चीनी एजेंटों की सोच, भारतीय जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनको गालियां दो जो भारत में रोजगार देते हैं, भारत की अर्थव्यवस्था को गति देते हैं, भारत को टैक्स देते हैं, और विदेशियों के पैरों के अंदर जो है नतमस्तक हो, एक हिंडनबर्ग जिसकी जो खुद का बैकग्राउंड, एक सेकंड, जिसका बैकग्राउंड ये है कि वो आरोप लगाएगी और शॉर्ट सेलिंग कर प्रॉफिट कमाएगी, उस जैसी झूठी एजेंसी के ऊपर ये विश्वास करेंगे, ये बीबीसी पे विश्वास करेंगे, ये जान स्वराज पे विश्वास करेंगे, ये पाकिस्तान पे विश्वास करेंगे, ये चीन पे विश्वास करेंगे, लेकिन भारतीय एजेंसियों पे विश्वास नहीं करेंगे। जब सेना कहेगी कि हमने पाकिस्तान के अंदर घुसकर पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाई, तो यही वो दलाल है जो कहेंगे लाओ सबूत, दे दो सबूत, लेकिन इनके पप्पा जान स्वराज वहां से कहेंगे $1 बिलियन मैं हिंदुस्तान की सरकार को अपदस्थ करने के लिए इन्वेस्ट करूंगा, तो उसके सामने ये पूंछ हिलाएंगे। ये है ये लोग, यही विदेशी डीएनए की औलादे हैं, ये बात कर रहे हैं। और अब रही बात सिसोदिया जी की, तो अमिताभ जी दिल्ली पूछ रही है, देश पूछ रहा है, सीबीआई पूछ रही है, क्या कर रहे हैं? 7 मोबाइल फोन में 100 से ज्यादा सिम आपने तोड़कर खाके यूज कर, क्या कारण है? 3 कंपनियों को केवल आपने लाइसेंस दिया, क्या कारण है? 144 करोड़ रुपया दिल्ली का आपने उनको ऐसे ही मुफ्त में दे दिया, क्या कारण है? एयरपोर्ट जोन के अंदर 30 करोड़ रुपए की जमानत राशि आपने बिगर एनओसी बिगर कागज उनको वापस कर दी, और क्या कारण है कि आखिर 2 से 12% आपने कमीशन कर दिया दिल्ली के हर वार्ड के अंदर 3-4 दुकानें खोलने का आपने तैयारी कर ली, क्या कारण है? पंजाब में आगे भारी लोग एक मिनट उत्तर दीजिए दोनों लोगों से। ठीक है भारत पूछेगा, एक मिनट तक ही साहब रुक जाओ, मैं रुक जाओ भैया। शबनम जी, एक मसला ये भी आ रहा है कि 7-8 टेलीफोन मोबाइल फोन और 100+ सिम, क्या ये तो 007 टाइप लगता है, वरना भले आदमी के लिए एक ही मोबाइल जान की आफत है, बहुत रख लो, दो रख लो, नहीं दो तो को कॉल सेंटर खोलना है, नहीं एक खुद रख लो, एक पीए को पकड़ा दो, बात खत्म, नहीं ये भी कुछ मामला रहस्य रोमांच जैसा लग रहा है। अमिताभ जी, डिप्टी सीएम पर हाथ डालना इतना आसान नहीं है, जब तक उनके पास पुख्ता सबूत नहीं होंगे वो इतनी जल्दी किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते। उन्होंने पुख्ता सबूत अदालत में दिखाए तभी 5 दिन की सीबीआई रिमांड मिली भी है। मैं तो ये बोल रही हूँ कि आप वाले शिक्षा का ढोल लेकर घूम रहे हैं, शिक्षा शिक्षा शिक्षा, भाई आपके वो आबकारी मंत्री हैं, आबकारी, तो हम तो सवाल उनसे ये पूछ रहे हैं कि आप हमें ये जवाब दो, जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी आपने ब्लैक लिस्टेड कंपनी को क्यों आवंटन करने के लिए पहुंच गए? सीबीआई क्यों नहीं पहुंची हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के ऊपर, और कौन पुख्तगी तो कोर्ट में साबित हो गई हिंडनबर्ग कौन है? तुम्हारे फूफा है, तुम्हारे मौसा है, तुम्हारे दामाद है, या तुम्हारे जीजा है? हिंडनबर्ग कौन है? तुम जानते हो हिंडनबर्ग में पैनिक क्या होती है?
इंटरनल कहां बनी है पता है तुम्हें? किस देश की एजेंसी है पता है तुम्हें? क्या करती है वो पता है तुम्हें? हिंडनबर्ग, हिंडनबर्ग विदेशी कोई भी आरोप लगाएगा पूंछ हिलाते हुए पहुंच जाएंगे। रुकिए तकी साहब, दोनों रुकिए मैं एक अपना अनुभव बता दूं। तकी साहब रुकिए, अरे भाई बहस को आनंद में चले दिए, एक अपना अनुभव बताएं। मतलब आप रुकेंगे जब तक मैं ना कहूं तब तक रुकिए। एक अपना अनुभव ने शब्द नबा भी नहीं, उस वक्त आपको अवसर दिया था तब आप इधर उधर भटक गए। एक मैं अपना अनुभव बताता हूँ। एक बड़ा माफिया बहुत वर्ष पहले की बात मुझसे मिलने आया, उस वक्त जेल से बाहर था, छूटा हुआ था, मतलब फरारी में नहीं था, छूटा हुआ था। तो एक हमारे साथी थे सहयोगी, उनसे मैं के साथ वो था कि भाई कहाँ पहुँचे, कब आ रहे टाइप का। एक तो उसने कहा वो हर बार वो नंबर नया से करते हैं फोन, तो जब वो आए तो मैंने देखा कि उन्होंने जिसे मूंगफली नहीं रखी जाती निकाल के, ऐसे सिम रखे। तो मैंने कहा ये क्या 420 है भाई? तो उनने बताया कि नहीं भैया हमारा काम ही ऐसा है कि हम हर लोकेशन चेंज कर देते हैं हर टावर पे, क्या मोबाइल। उनकी बात तो समझ में आती, वो तो अपराधी थे है ना। तकी साहब नेता को क्या खतरा भैया, ये 100-200 मोबाइल ले सब क्या, ये सब चीजें संदेह नहीं पैदा करते? इतनी तो आदमी कमीज और पेंट नहीं रखता 100 जोड़ी जो सिम रखे, क्यों रखे? नहीं कुछ तो मामला है फिर। तकी साहब अरे तकी साहब अभी दोबारा जोड़ेंगे तो देखिए भैया जोशी साहब वही प्रश्न आपसे जो मैं मोहम्मद तकी से पूछ रहा था कि सारी बात एक तरफ कि भाजपा क्या कर रही है ये छोड़िए, लेकिन 100-125 सिम रखे कोई आदमी तो ये भी चाल चलन ठीक तो नहीं है? नहीं इतना तो पीसीओ वाला नहीं रखता था कोई। अमिताभ जी मैंने इसमें स्पष्ट बोल दिया, कानून अपना करेगा, लेकिन मैथिल साहब जिस प्रकार डिबेट में और भी जगह इनके साथ मिलना होता है, तेज चीखने से डिबेट का कोई हल नहीं निकलता। आप सोच रहे हैं कि आप तेज चीखने के साथ आप सकता आपसे ज्यादा कर दो उनके शवों को। अरे सुनो भाई मैं हम आवाज भी तेज ना कर पाए, अगर हमारी आवाज को दबाओगे तो आप बोलिए तो जोशी जी, आप रुकेंगे तो नहीं बात बोल पाएंगे, आप बोलते रहिए रुकेंगे तो बहस में बोल नहीं पाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ जो अभी ये फंडिंग का सवाल आया, ये फंडिंग विदेश में या कॉन्टेक्ट जो विदेश मिले वो भी केवल प्रधानमंत्री के वहां पर इनका पक्ष रखने से, यहाँ इंट्रोड्यूस कराने से मिले, ये भी एक जांच का विषय रखा गया है वहां पर लोकसभा में सदस्यों ने कहा है विपक्ष में ये भी रखा गया है कि वो कहा उनको काम कैसे मिला विदेशों में, वो प्रधानमंत्री के विशेष जोशी जी एक मिनट रुकिए, आप भी रुकिए भुवन जोशी रुकिए भाई, इनकी आवाज रुक दीजिए। ठीक जोशी जी, मैंने शुरुआत में ही निवेदन किया सबसे, अडानी का मसला अलग, मनीष सिसोदिया का मसला अलग। जब अडानी बहस करनी थी तो मनीष सिसोदिया को मैंने लाया और आज अडानी को नहीं आने दूंगा। ठीक आप तो मेरा स्वभाव समझिए, मैं ये गफलत का काम नहीं करता, मुझे कौन सा चुनाव लड़ना है भाई जो दंत बंद करूं ना जी ना। आज केवल मनीष की बात होगी, वो डाइल्यूट नहीं हो सकती अडानी से सडानी से मडानी से किसी से, इसे क्या मतलब है? जिस दिन अडानी का ऐसा हो जाएगा उस दिन फिर अपन मिलेंगे, फिर चर्चा करेंगे, तब मनीष सिसोदिया की शराब वाली लफड़े पर बात नहीं करेंगे। लेकिन ये घाल मेल नहीं करो, मैं कहता हूं अडानी ने 100 गलत काम किए जोशी जी, तो उससे मनीष सिसोदिया पाक साफ हो जाएंगे, क्यों मिलावट कर रहे हो? यही बात मैंने आपके लोग में उनसे अपने तकी साहब से भी कही, अडानी क्या क्या मसला है उससे मनीष सिसोदिया पाक साफ हो जाएंगे क्या सैयद मोहम्मद तकी? देखिए आम आदमी पार्टी अपने आप को लगातार कट्टर देशभक्त पार्टी, कट्टर ईमानदार पार्टी साबित करती चली आ रही है। ईमानदार बोलते तो काम नहीं चलता, कट्टर लगाना जरूरी था। आम आदमी पार्टी के ऊपर इस बेतुके झूठे आरोपों का कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने हमेशा ऐसे
जब भी जाती हुई उनका स्वागत किया है और पूरा कोऑपरेट किया है, पूरा सहयोग किया है। जैसे जब भी वो 500 अधिकारी सीबीआई के मनीष सिसोदिया के पीछे लगे रहे, उन्होंने हर तरह की जांच कर ली, उनको कुछ नहीं मिला। जो पहली प्राथमिकता सूची थी उसमें उनका नाम नहीं था, दूसरी सूची पे उनका नहीं था, लेकिन आम आदमी पार्टी से इतनी डरी बीजेपी। मैंने सत्येंद्र जैन के एक मित्र से पूछा था, मैंने सत्येंद्र जैन के एक मित्र से पूछा कि सत्येंद्र जैन को लोग ज्यादा चिंता तो नहीं, बोले ना भाई जब चिंता तो, मैंने नहीं, अरविंद केजरीवाल ने कहा मैंने कागज देख लिए, यूं गया और यूं आया, बोले तभी तो चिंता है भाई साहब अब ना निकलने का। अमिताभ जी अगर आज बीजेपी सेंटर से केंद्र से पावर से जाती है अगर तो ये लोग छूट जाएंगे ना तुरंत, ऐसी व्यवस्था है, कल तक वो छूट जाएंगे। तब खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं, खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि चोरों की सरकार अगर आ गई तो सारे चोर भाग जाएंगे, सारे चोरों के दल में हाहाकार है, क्योंकि ये देश जानता है देश का चौकीदार ईमानदार है, तभी चोरों के दल में हाहाकार है, तभी सारे चोर एक तरफ से चिल्ला रहे हैं, पूरा विपक्ष इसलिए एक होकर खड़ा है क्योंकि दूसरे घाट पर सिंह पानी पी रहा है, तभी ये सारे जानवर एक तरफ है। आपके सामने देखिए अमिताभ जी, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया केंद्र में यदि सरकार चेंज हो जाएगी तो ये सारे भ्रष्टाचारी जो सात मोबाइल से 100 मोबाइल नंबरों को यूज करते हो, जो अपने मित्रों का 144 करोड़ रुपया माफ कर देते हो, जो एक एक वार्ड में चार चार शराब की दुकानें खोलते हो, वो सब छूट जाएंगे। ठीक है, देख लीजिए, एक बार रुके, एक बार रुके, एक बार रुके।